दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका टेक गुरु। नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय अकाल। आज का ये वीडियो है सिम कार्ड के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे बंदे विजिटिंग वीज़ा पे या जॉब पर इंडिया से यहाँ पे आते हैं, पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं, नेपाल से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, कहीं से भी। ये वीडियो जो भी देख रहा है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप सबसे, थैंक्स। आपका रिस्पॉन्स है इसलिए मैं भी नए नए वीडियोस, नए नए कंसेप्ट ये वीडियो बना के मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आज मैं बोलने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ सिम कार्ड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई बंदा आ रहा है इंडिया से, ओके, तो इंडिया से कौन सी भी सिम यहाँ पे नहीं चलती है। इंडिया की कौन सी भी, हमारे यहाँ पे आइडिया है, एयरटेल है, BSNL है, डॉल्फिन है, रिलायंस है, टाटा है, डोकोमो है, बहुत सारी है। यहाँ पे एक भी सिम यहाँ पे नहीं चलती है। अगर आप में से कोई बंदा यहाँ पे आ रहा है तो आप कस्टमर केयर में कॉल करते हो और पूछते हो कि सर हमको इंटरनेशनल रोमिंग चाहिए, तो वो बंदे बोलते हैं ठीक है सर, आपको 500 का रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा भी आप रिचार्ज मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके पैसे वेस्ट जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका कार्ड ही नहीं चलता है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे 3 साल पहले यहाँ पे आया था तो मुझे एयरटेल वाले बंदे ने बोला था कि सर आपको 500 का रिचार्ज करना पड़ेगा, इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट हो जाएगा आपका। मैंने किया सब, यहाँ पे आके देखता हूँ तो कुछ नहीं चलता है। तो एक तो पैसा भी वेस्ट जाएगा, फिर यहाँ पे आपकी सिम भी बंद पड़ जाएगी, क्योंकि आप अगर यहाँ पे जॉब के लिए आते हो तो वो सिम यहाँ पे 1 साल रहेगी, फिर वो सिम बंद पड़ जाएगी। इससे अच्छा तो यहाँ वो सिम आप आपके घर वालों को दे दो और उसको रिचार्ज करने दो, और तो वो सिम भी बंद नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो छोड़ दो। अभी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे सिम कौन सी है। तो यहाँ पे दो ही कंपनियाँ हैं, जैसे हमारे मुल्क, हमारे कंट्री में बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो मोबाइल के कंपनी है जो सिम प्रोवाइड करती है, जो मोबाइल का नेटवर्क यहाँ पे प्रोवाइड करती है। एक है इतिसलात, इतिसलात नाम है उसका, और दूसरा है डू। दोनों भी नेटवर्क बहुत अच्छे हैं, दोनों के कॉलिंग रेट भी यहाँ यहाँ के हिसाब से कम है, सस्ती है। अगर इंडिया का सोचा जाए तो यहाँ पे पैसा कॉल्स में बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इंडिया के बारे में नहीं सोचता है, हमारे यहाँ के कॉल्स बहुत 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 कम है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, मगर यहाँ के हिसाब से, यहाँ के सैलरी के हिसाब से ठीक है। तो फिर से बताना चाहता हूँ, यहाँ पे दो नेटवर्क है, इतिसलात और डू। जब भी आप यहाँ पे आते हो तो आपको सिम कार्ड कहीं से भी मिल जाएगा, कौन से भी मोबाइल स्टोर्स में आप जाओ, वहाँ पे आपकी वीज़ा कॉपी और पासपोर्ट कॉपी दिखानी है आपको, फोटो नहीं लगता है, वो दिखाने के बाद आपको सिम कार्ड मिल जाएगी। सिम कार्ड यहाँ पे इंडिया के रुपीज़ 100 रुपये से 500 रुपये तक मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, कभी कभी ऑफ़र होता है 100 रुपये में मिल जाता है, कभी कभी ऑफ़र होता है, ऑफ़र नहीं हो तो 500 तक, 200, 300, 400, 500 तक सिम कार्ड मिल जाती है। आप जब भी वो सिम कार्ड लेते हो वो प्री एक्टिवेटेड होती है, मतलब आपको उस पर एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं, इनकमिंग कॉल आपकी शुरू होती है। सिर्फ आउटगोइंग को 1 घंटा 2 घंटा लगता है, 1 घंटा 2 घंटे में वो आउटगोइंग भी आपकी शुरू हो जाती है। यहाँ के जो फ़ोन नंबर्स है वो 05 से स्टार्ट होते हैं दोस्तों, 05। ओके, तो जो भी बंदे जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो बंदों को क्या करना है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई अलग कॉल दिखाई तो वो एक तो ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, नहीं तो वो उठाते नहीं है। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ का कंट्री कोड है दुबई का +971, +971, तो वो दिमाग में डाल के रखिए, क्योंकि आपको यहाँ से अगर जॉब की कॉल आ जाती है और आपने वो अगर काट दी तो आप अपनी करियर काट देते हो। ठीक है, लाइफ एक बार ही चांस देती है दोस्तों, बार बार नहीं। ठीक है, तो वो चांस आपको समझ के लेना है कि वो कौन सा चांस है। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक तो करिए अगर अच्छा लगे तो, और
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का भी बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अच्छा लगता है आपसे बातें करके, इसलिए रोज़ रोज़ वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं बताऊँगा यहाँ की मेडिकल टेस्ट के बारे में, कि मेडिकल टेस्ट में हमारे यहाँ के बंदे कुछ भी बोलते हैं। मैं भी डर गया था, मेरे मतलब मैं जहाँ पे जब यहाँ पे आ रहा था उस टाइम मेरे दोस्त ने कुछ भी बोला था मुझको कि सर वहाँ पे ऐसी ऐसी मेडिकल टेस्ट होती है, मगर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी में क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। चलो बाय बाय।